अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ठीक है। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी, ठीक है। ये देख लीजिए, चीज़ें नोट कर लीजिए आप, बहुत इजी तरकीब में बन जाती है, ठीक है। चिकन है हमारी, टमाटर हैं, ये मैंने एक टमाटर लिया, शिमला मिर्च है, प्याज है, ये हमारी नॉर्मल जो हरी मिर्च होती है वो है, ठीक है। ये मैंने इसको बॉयल कर ली है पहले से ही, ठीक है। ये मेरा केचप है, ब्लैक पेपर है, अंडा है, ये हमने लहसुन बारीक बारीक चॉप किया हुआ, ठीक है। ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, हमने जो टमाटर जो हमने लहसुन जो चॉप किया हुआ था मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देख लीजिए, अच्छा इसको भूनना नहीं है, बस बिल्कुल हल्का सा हमने नॉर्मली, ठीक है। ये हमने चिकन डाल देना है इसमें, अच्छा इसमें जो हम ऐड करेंगे चिली सॉस है 2 टेबल स्पून, ठीक है। चिली सॉस ऐड किया, ये सोया सॉस है हमारा 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, अच्छा नमक हम अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा नमक मैं ऐड नहीं कर रही, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा ये ब्लैक पेपर है, देखो ये तकरीबन हमने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक रखेंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। हमारी चिकन रेडी, इसको मैं कवर कर देती हूँ। इधर हम एक अंडा है, ये मैं फ्राई करती हूँ इसको, ठीक है। इसमें नमक ऐड करेंगे, इसको हमने कोई चीज़ और नहीं डालनी, सिर्फ हमने नमक और अंडे को फ्राई। देखिए ये मैं इसको अंडे को फ्राई कर लेती हूँ, सादा हमने फ्राई करना है इसको। फ्राई करने के बाद मैं इसको पीसीस कर लूँगी, ठीक है ना। देख लीजिए आप, ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बस नॉर्मल फ्राई करना है। ये देखिए, ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं किया, ठीक है। और हमने इसी तरह इसको काटा, इसके शेप में मैंने काटे, ठीक है। सारे मैंने इसी तरह काट लिए, ठीक है। ठीक है, इधर हमारी चिकन रेडी हो गई है। मेरी चिकन रेडी है, ये मैं इसको चेक करके रखती हूँ। टूट रही है, आराम से टूट रही है ये, ठीक है। ये तक मैंने एक प्याली लिए, फिर इसमें ऐड करूँगी। टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, प्याज है, सब मैं इसमें ऐड करती चली आ रही हूँ। आप देखते जाएँ और किस शेप में कटें ये भी आप चेक करते रहें, ठीक है। ठीक है, ये मैंने मिक्स करूँगी। अच्छा नमक मैंने जो है अपने टेस्ट के हिसाब से लिया, 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। आप जितना समझ में आए आपको उस हिसाब से डालें, कम ज़्यादा। ये मैंने ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून है, ठीक है। ये मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा एक और चीज़, मैंने जो केचप लिया है उसको मैं आपको बताऊँ कि इसको हमने किस तरह इसमें ऐड करना है। मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा ये जो केचप है, ये देखिए तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, ठीक है। ये इस तरह हमने सॉस की तरह तैयार करना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, एहतियात से करिएगा, ठीक है। ये मेरा केचप, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड किया, जल्दी तैयार हो जाती है ये, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। जल्दी से रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपियाँ हैं, ये चाइनीज़ होती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इसमें अपना अंडा ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेरी रेडी है रेसिपी, देख लीजिए आप, ये मेरी रेसिपी रेडी हो गई है, ठीक है। आप इसको निकालते हैं, फिर हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी। देख लीजिए जनाब, हमारी चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे, ये देख लीजिए बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।